नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षण योजना, दिनांक कक्षा 6, विषय अनिवार्य संस्कृत, समय 40 मिनट, लर्निंग आउटकम छात्र संस्कृत के वाक्यों एवं अनुच्छेदों का शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे तथा संस्कृत अनुच्छेदों का मौन वाचन कर उसमें निहित भावों को समझ सकेंगे। छात्र संधि युक्त शब्दों का विच्छेद व विच्छेद युक्त शब्दों की संधि के विषय में जान सकेंगे। प्रकरण क्रीड़ा महोत्सव, सहायक सामग्री पाठ्यपुस्तक, शामपट, चौक, डस्टर आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे सामान्य बातचीत करेंगे तथा कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे बच्चों हमारे विद्यालय में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, दैनिक जीवन में हम कौन कौन से खेल खेलते हैं, क्रीड़ा महोत्सव में किन किन खेलों की प्रतियोगिताएं होती हैं। यह बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि आज हम अनिवार्य संस्कृत के क्रीड़ा महोत्सव नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। शिक्षक उचित स्वर एवं उच्चारण के साथ पाठ का वाचन करेंगे तथा उसका हिंदी भावार्थ बच्चों को बताएंगे। शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि आज विद्यालय का एक साल में होने वाला वार्षिक खेल महोत्सव है। विद्यालय के मैदान में ही खेल का स्थान है। छठी कक्षा और सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों में वॉलीबॉल की प्रतियोगिता होती है। हमारे खेल के अध्यापक निर्णय देने वाले होते हैं। अवनीश के नेतृत्व में छात्र तालियां बजाकर शोर करते हैं और खेलने वाले छात्रों का उत्साह बढ़ाते हैं। खेल के पश्चात प्रधान अध्यापक पुरस्कार रूप में गेंद बांटते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों में मिठाई बांटते हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए खेल होते हैं। इसके पश्चात शिक्षक छात्रों से शामपट से देखकर कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए कहेंगे। शामपट कार्य शब्द अर्थ। अद्य आज, परिसरे मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्रम खेल का मैदान, हस्त कंदुके वॉलीबॉल में, क्रीड़ा अध्यापक खेल के अध्यापक, करतल वादनेन ताली बजाने से, कोलाहलेन हल्ला करने से, क्रीड़ का नाम छात्राणाम खेलने वाले छात्रों को वितरंती बांटते हैं। शिक्षण के पश्चात शिक्षक छात्रों से पाठ का अनुकरण वाचन करवाएंगे तथा छात्रों से शामपट से देखकर पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए कहेंगे। शिक्षक छात्रों को गम और अस धातुओं के लट लकार के रूप का अभ्यास कराएंगे। प्रदत्त गृह कार्य निम्न वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। पहला है विद्यालयस्य परिसरे एव क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। ख छात्राणाम परस्परम क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रचलति। ग छात्रेभ्य मिष्ठानम वितरन्ति। घ स्वास्थ्य लाभाय क्रीड़ा भवति। अण प्रधान अध्यापक कंदुकम वितरति। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।